जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी मेरे दोस्त, कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि सभी मेरे दोस्त अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। मेरे थंबनेल में आप लोग देख लिए होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि जो टेक्निकल है, टेक्निकल के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। जो जीडी वाले हैं, ट्रेडमैन वाले हैं, क्लर्क वाले हैं, वो हमारे अगले वीडियो को देख ले। हम अगले वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए कि इसमें सिर्फ टेक्निकल का ही बात मैं बताने वाला हूँ, पूरा ए टू जेड बताऊंगा। कि मेरे दोस्त, सबसे पहला मैं बता दूं कि आईटीआई वाले को क्या छूट मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, क्या वही प्रोसेस रहेगा, उसमें क्या होगा, क्या उसमें छूट मिलने वाला है। जो भी है मेरे दोस्त, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल से अगर जो आप लोग नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और राइट साइड में ऊपर बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसलिए कि मेरे दोस्त, इस पर मैं न्यू अप टू डेट देते रहता हूं, फिजिकल से टिप्स बताते रहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टेक्निकल है उसका एज जो है 17 से 23 वर्ष मांगा गया है। 17 से 23 वर्ष अग्निवीर में जाने के लिए उसका योग्यता रखा गया है। दो नंबर में मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जो उसका एवरेज मार्क्स जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, इंटर होनी चाहिए मेरे दोस्त, और उसमें परसेंटेज जो होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि जो है साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन इंग्लिश, इसमें आपको 50% होना ही चाहिए और ऑल सब्जेक्ट में 40% होना ही चाहिए। अगर आप लोगों का नहीं है तो यहीं से आप लोग वीडियो देखना बंद कर दीजिए, इसलिए कि आपका उसमें फॉर्म फिलअप होने वाला नहीं है। इसलिए जो भाई का नहीं है वो मेरे दोस्त अपना समय ना गंवाएं, इसलिए कि देखिए और अगला तैयारी में लग जाएं अपना। अब डिमोटिवेट मत होइए मेरे दोस्त, अगला भर्ती को देखिए, ट्रेडमैन से भी आप आसानी से जा सकते हैं मेरे दोस्त, और जीडी से भी जा सकते हैं। चलिए मैं आगे मैं आपको बता दूं कि जो आईटीआई वाली को रहने वाला है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, क्या छूट देने वाला है, क्या नहीं देने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आईटीआई किए हुए हैं मेरे दोस्त, कि जो आईटीआई का मांगने वाला है, देखिए उसमें क्या बेनिफिट देने वाला है। उसमें यही बेनिफिट है जो आईटीआई किए हुए हैं और जो 1 ईयर का किए हैं आईटीआई, तो मेरे दोस्त उनको 30 मार्क्स मिलने वाला है। और मेरे दोस्त जो 2 ईयर का किए हुए हैं कोर्स आईटीआई का, वो मेरे दोस्त उनको 40 मार्क्स मिलने वाला है। सबसे बढ़िया है मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है डिप्लोमा। जो भी डिप्लोमा किए हैं उन लोगों का बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है, उनको 50 मार्क्स मिलने वाले हैं, 50 नंबर उनको मिलेंगे वो मेरे दोस्त। और जब मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में ऊपर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। मेरे दोस्त, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनसीसी और स्पोर्ट्समैन से रिलेटेड कि कितना छूट मिलने वाला है, कितना नहीं मिलने वाला है। चलिए मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।